नमस्कार, मैं रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। मेरे साथ मेरी रसोई में चलिए और देखिए देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। पत्ता गोभी, मैंने एक फूल पत्ता गोभी काट लिया है। ये मैंने एक आलू है, इसको भी काट लिया है। लहसुन और अदरक को कूट लेंगे। तीन टमाटर लिए हैं, इनको काट के और मिक्सी में इनका पेस्ट बना लेंगे। तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है। एक चम्मच जीरा, प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, टमाटर। अब इसको ढक के और इसको पकने तक, जब तेल छोड़ देगा तब तक पकने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारे पक चुके हैं, तेल छोड़ दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, दो चम्मच दही। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको, फ्लेम को कम रखेंगे। अब इसको दही को और मसालों को पकने देंगे। फ्लेम को कम रखेंगे, ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे दही और मसाले पक चुके हैं, तो अब मैं पत्ता गोभी और आलू डाल दूंगी इसमें। पत्ता गोभी और आलू डाल दिए हैं, अभी फ्लेम को मीडियम रखेंगे अपन और इसको ढक के रख देंगे ताकि जब तक ये पत्ता गोभी गल के और नीचे नहीं बैठ जाए। तो देखिए पत्ता गोभी कितनी नीचे बैठ चुकी है, गल गए पत्ते। अब हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें खुद में बहुत सारा पानी होता है इसलिए पानी मिलाने की जरूरत नहीं रहती। और आलू जो है वो इसी पानी में पकेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर दी, वापस ढक के और लो फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आलू गल जाएंगे और पत्ता गोभी भी हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पे आज मैं मिस्सी रोटी बना रही हूँ और ये मिक्स आटा है, गेहूं, जौ और चने को मिला के और पिसवाया हुआ है। ये नमक डाल दिया है और अब आटा गूंदेंगे। ये देखिए ऐसा आटा लगाना है इसका। तो अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें जो भी होता है तो ये इतना ज्यादा गेहूं की जितना बंधा हुआ आटा नहीं होता थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा पानी ज्यादा लगता है इसको गूंदने के लिए। तो इसको चाहे तो आप गीले हाथ से भी बना सकते हो और चाहे तो आप चकली पे बेल भी सकते हो। तो ये हमने सूखा आटा लगा लिया और अब रोटी बेलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी का तवा गरम कर लिया पहले फुल फ्लेम पे। ये देखिए ये हमारी फूली फूली रोटी तैयार है। दूसरी डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी मिस्सी रोटी, बेजड़ की रोटी जिसको बोलते हैं, वो तैयार है एकदम फूली फूली सी। तो ये देखिए बिल्कुल सूखी सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। मसाला सारा अच्छा सा पक गया, तेल छोड़ दिया सब्जी ने और जो आलू है वो भी हमारे पक गए हैं। ये देखिए गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। तो अब मैं आपको सर्व कर देती हूँ खाना। तो ये लीजिए आज का हमारा लंच तैयार है। ये बेजड़ की रोटी है, मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं, पत्ता गोभी की सब्जी है, दही, थोड़ा सा अचार है, मिर्ची, कैरी और गूंदे का सलाद काट दिया, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप काट के खा लो। हेल्दी ही है और आप बना के जरूर देखिएगा, एक टाइम ऐसा भी बना के देखिए आप, अच्छा लगेगा आपको। तो कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा, एक और रेसिपी के साथ आऊंगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, बनाइएगा जरूर एक बार।